केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खोलने की तैयारियों को लेकर केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों की टीम केदारनाथ धाम पहुंची और इस दौरान टीम ने केदारनाथ में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि यात्रा की शुरुआती दौर चुनौतीपूर्ण रहेगा। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। आज केदार सभा के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज केदारनाथ 2023 की जो यात्रा है उसका जायजा लेने पहुंचे। सौभाग्य की बात है कि आज केदार सभा का जो बहुत पहले हमारा गंगा घाट पर ऑफिस हुआ करता था, आज निश्चित रूप से उसका नींव रखने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है। लेकिन यात्रा जो चलेगी उसको हम बहुत बारीकी से गौरीकुंड से और केदारनाथ तक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पैदल यात्रियों के लिए जो सुधारीकरण जो रास्ता होना है बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि 15 तारीख से लगभग लोकल लोग अपनी व्यवस्था में केदारनाथ सबको आना है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आज हम लोग यहाँ पे केदारनाथ जी में आए थे क्योंकि हमारे जो 14 और 15 के जो अनुबंध है हमारे लोगों के वास आउट वालों के, तो उनके लिए कितनी व्यवस्था बनी, क्या बनी, क्योंकि प्रशासन का कहना ये था कि आपको अगले साल तक हम पूरी व्यवस्था दे देंगे, लेकिन हम यहाँ पे आए और एक निराशी समझो कि उनकी व्यवस्था अभी पूरी नहीं बन पाई। इस साल भी उनको ऐसे अधर में रहना पड़ेगा कुछ, और साथ ही साथ हमारे केदार सभा का एक कार्यालय केदारनाथ में बनना था, वो भी हमने भूमि को वहाँ पर देखा है और भूमि का निरीक्षण किया है। आगे अधिकारी लोगों से वार्ता की है कि हमारा कार्यालय भी जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए, और फिर आगे जाके अब हम वार्ता करेंगे कि हमारा जो है कि ये जो वास आउट वालों के लिए है तो इनके लिए भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था बननी चाहिए।